तो हे गाइस, अगर आप भी यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर का न्यू अपडेट का वेट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे MIUI 14 का जो सिस्टम लॉन्चर होता है उसका एक न्यू अपडेट देखने को हमें मिल चुका है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे गाइस, ये जो सिस्टम लॉन्चर है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्मूथ है गाइस, और इतने सारे न्यू इसमें फीचर्स आए हुए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैंने आपको बहुत सारे बीटा फीचर्स के बारे में बता ही चुके हैं, जो कि पहले सिस्टम लॉन्चर जब बीटा में था उसके बारे में, बट आज यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेबल अपडेट के बारे में। MIUI 14 के स्टेबल सिस्टम लॉन्चर में आपको क्या क्या न्यू देखने को मिलने वाला है ग्लोबल, इंडिया और चाइना में, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ सिस्टम लॉन्चर के कैसे एनिमेशन है उन सब के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी गाइस यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के अपडेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं सिस्टम लॉन्चर के अपडेट है उसे यहाँ पे थोड़ी देर में पब्लिश कर दूंगा, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिस्टम लॉन्चर के अपडेट्स के बारे में, क्या क्या इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या स्मूथनेस है, न्यू विजेट्स आए हैं या नहीं, इन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सिस्टम लॉन्चर का आपको वर्जन दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं रिलीज वर्जन 4.39.9, जो कि देख सकते हैं चाइना MIUI 14 से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और अपने यहाँ Redmi Note 10 Pro में इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें गाइस सिस्टम लॉन्चर में क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोटिंग लेआउट आ चुका है, पहले बीटा में था बट यहाँ पे मैं स्टेबल लॉन्चर की बात कर रहा हूँ इसलिए ये स्टेबल के लिए न्यू फीचर है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम विजेट्स देखने को मिल रहा है, डोंट शो टेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है, होम स्क्रीन लेआउट देख सकते हैं 4x6, 5x6, और यहाँ पे जब हम लोग मोड में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है ऐप ड्रॉवर, लाइट मोड और क्लासिक का। लाइट मोड अब आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ऐप ड्रॉवर में देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे न्यू सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं ऐप ड्रॉवर की, बट यहाँ पे क्लासिक मुझे सही लगता है इस वजह से मैंने क्लासिक पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च, ये जो है चाइना रोम का फीचर है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो सर्च ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ये गूगल का, अगर आपका चाइना रोम है तो वहाँ पे वो चाइना रोम वाला सर्च ओपन होगा, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको ऑफ ही कर देते हैं। फिर एनिमेशन स्पीड देख सकते हैं रिलैक्स, बैलेंस, फास्ट, रिलैक्स पे करेंगे तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन स्पीड दिखा देता हूँ सिस्टम लॉन्चर की। तो देख सकते हैं गाइज कितना स्मूथ यहाँ पे ये एप्स को ओपन कर रहा है और यहाँ पे क्लोज कर रहा है, एकदम जो MIUI का 14 का जो फोटोन इंजन आया है उसके जैसा यहाँ पे वर्क कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज कितना स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइज कि आपको बैलेंस में कैसा देखने को मिलता है, तो ये जो है इस बार यहाँ पे हम लोग का बैलेंस में हो गया है, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सॉरी बैलेंस ये अब हो चुका है, अब बैलेंस में देख सकते हैं गाइज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, मतलब हल्का सा लिटिल फास्ट और यहाँ पे एनिमेशन इम्प्रूव बैलेंस वाला, जो कि देख सकते हैं जो रिलैक्स था उससे यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, और फास्ट वाले की बात करें तो वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट ही है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज ये कितना आराम से और तेजी से यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, जैसा कि देख सकते हैं गाइज। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे फास्ट वाला एनिमेशन। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे गाइज और क्या न्यू फीचर देखने को मिलता है। सिस्टम नेविगेशन ये आपको MIUI 13 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल चुका था, जो कि आपका एडिशनल सेटिंग्स से है ये होम सेटिंग्स में आ चुका था, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये सब ओल्ड फीचर है। यहाँ पे आइकन साइज को देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। डोंट शो टेक्स्ट वाला न्यू फीचर है, डोंट शो टेक्स्ट फ्रॉम विजेट्स ये भी न्यू फीचर है। होम स्क्रीन लेआउट देख सकते हैं दो ही देखने को मिलता है, 4x6, 5x6। ग्लोबल आइकन एनिमेशन देख सकते हैं, जिस फोन में आपका एनिमेशन सपोर्टेड है उसी में यहाँ पे ये वर्क करेगा, अदर डिवाइस में नहीं वर्क करेगा, जैसे कि लो एंड डिवाइसेस और मिड रेंज डिवाइसेस। रेंज आइटम इन रिसेंट देख सकते हैं, ये आपका MIUI 11 से वैसा ही है। ब्लर ऐप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और इसके बाद शो सजेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस सिस्टम लॉन्चर में आपको विजेट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बता दूं MIUI 14 के वो न्यू विजेट्स अभी नहीं आए हैं, क्योंकि वो MIUI 14 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं विजेट्स पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका ये जो MIUI 14 वाला ऐप वर्ल्ड का विजेट्स है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। न्यू विजेट्स तो गाइस आपको MIUI 14 अपडेट के बाद ही यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, अभी आपको ये नॉर्मल से सारे ऐप्स के विजेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेजर चेंज की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपको जैसे कि पहले नोट्स ऐप पे टच एंड होल्ड करते थे तो ये विजेट्स का सेक्शन नहीं आता था, बट अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको विजेट्स का सेक्शन देखने को मिल जा रहा है। जिस भी सिस्टम ऐप्स पे आप यहाँ पे टैप एंड होल्ड कर रहे हैं
वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये क्लॉक ऐप हो गया, इसमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि क्लॉक ऐप मेरा अपडेटेड नहीं है। कैलकुलेटर अपडेटेड है तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है। और उसके बाद वेदर ऐप देख सकते हैं अपडेटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आया है। वेदर ऐप का भी न्यू अपडेट आएगा उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और ये जो प्रॉपर विजेट्स वाला जो है जब सारे ऐप्स में आ जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में वीडियो दे दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रूव हो चुका है। एनिमेशंस भी यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलते हैं, कोई भी तरह का लैग जिटरनेस ये सब आपको नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये सिस्टम लॉन्चर का न्यू अपडेट, इसका जो एपीके है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर में मैं यहाँ पे आपको पब्लिश कर दूंगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सिस्टम लॉन्चर से रिगार्डिंग वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि फीडबैक और सजेशन के थ्रू मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि 91% यूजर्स हमारा वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल बनी हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.